Assalamualaikum viewers, welcome to our channel जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। हम ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आप स्टोर करके आराम से रखकर 15 to 20 डेज रखकर आराम से खा सकते हैं, ऐसी कुछ रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लेते हैं। चलिए, मटन 250 ग्राम हमने लिया है, नमक स्वाद अनुसार, साबित काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, हरा धनिया, हरी मिर्च, हमने देखिए इतना ही अदरक लिया है, 2 इंच 250 ग्राम के लिए इतना लिया है, और लहसुन इतना सारा जाएगा रेसिपी में, इतना हमने लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, और सिरका जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टोर करने वाले हैं तो ही यूज़ करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चूल्हे को करते हैं ऑन, सिम पे ही रख लेंगे पहले। फिर कुकिंग ऑयल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, इसी में हमारा जो मटन है, मटन भी इसी में गया। नमक स्वाद अनुसार और हल्दी थोड़ी, पहले हम मीडियम पे रखेंगे, मीडियम आंच पे, और इसको कवर करके आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। कितने मिनट पकाएंगे आप? जब तक हमारा मटन गल ना जाए तब तक पकाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम लेगा। बहुत टाइम नहीं ले लेगा क्या? हाँ, देखिए हमने वो मैं बताना भूल गई, हमने कितना छोटा छोटा पीस किया है, मैं आपको बता दूँ। हाजिरा देखिए, इतना इतना ओके, तो इजीली गल जाएगा, है ना? हाँ, और अगर कोई प्रेशर कुकर में करना चाहे नहीं, तो नहीं, इसको प्रेशर कुकर में आप नहीं कर सकते हो। इसी में ऑयल में ही इसको पकना है गोश्त को, क्योंकि आप स्टोर भी करोगे तो आराम से इसको इसी में पकने के लिए छोड़ देंगे, आराम से 15-20 मिनट में गल जाएगा, क्योंकि पीसेस हमारे बहुत छोटे हैं, अचार की तरह रहेगा। ओके, जब तक हमारा मटन गल नहीं जाता तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम अदरक को काट कर डाल लेंगे, हरी मिर्च जाएंगे, हमने 8 से 10 हरी मिर्च लिया है, लहसुन सारा जाएगा, एक बड़ा वाला लहसुन जो फुल एक ये होता है वो हमने यूज़ किया है लहसुन का, और इसी में जाएगा ज़ीरा। देखिए मैं छोटे स्पून से 2 डाल रही हूँ, 250 ग्राम के लिए इतना जाएगा। हाँ, काली मिर्च 20 से 25, पूरा हरा धनिया इसी में जाएगा, और इसका फाइन पेस्ट बनेगा। फाइन नहीं, मैं बताऊंगी आपको कैसा बनेगा इसका पाउडर। ओके, अभी चलते हैं मटन के हाल क्या है देख लेते हैं। अभी इसमें शायद पानी भी छोड़ दिया होगा मटन ने, देखिए कितना पानी छोड़ दिया है मटन ने। रत्ती भर भी पानी नहीं डाला था ना? नहीं डाला था, क्योंकि मटन अपना पानी आराम से छोड़ देता है, सिर्फ ऑयल में आराम से इसको पकने के लिए देंगे। 15 मिनट में आपका मटन गल जाएगा श्योर। चलो इसको पकने के लिए देते हैं, तब तक उसका हम पेस्ट नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी के लिए तो हम नॉनस्टिक कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसे ही मतलब आम वाला पतीला यूज़ करेंगे तो? हाँ, वो भी आराम से बना सकते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि हिलाना बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं, जलेगा नहीं ना? हाँ, लास्ट में जब पानी खुश्क हो जाएगा तब उनको चेक करना पड़ेगा। ओके, इसी में हम क्या करेंगे, जो पेस्ट बनाने के लिए जा रहे हैं उसी में थोड़ा विनेगर डाल लेंगे, देखिए इतना विनेगर। तो देखिए हमने ऐसा पेस्ट बना लिया है, सारा मोटा ही रहेगा, सबका फ्लेवर मटन में आना चाहिए, ऐसा रहेगा, और जब आप स्टोर करके रख के खाओगे ना उसमें और ज़्यादा उसमें टेस्ट आएगा, और मुझे इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी लगती है। मुझे पके हुए गोश्त की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, यम। इनको रखे हुए 10 मिनट हो गया है, अभी देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। हाँ देखिए, इसी में हमारा मटन अच्छे से रोस्ट हो गया, आप देख सकते हो पीसेस हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो एक पीस को लेके आप चेक भी कर सकते हो, देखिए। हाँ, जैसे कबाब होता है वैसा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला ग्राइंड कर कर रखा है उसको इसी में डाल देंगे। तो इसी में मसाला हमारा चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पूरा पानी सूख जाए, करेक्ट?
पानी तो सोख हो गया, सिर्फ ऑयल है कुकर। अच्छा, पानी सोख हो गया है अच्छे से, मटन हमारा रोस्ट हो गया है अच्छे से, मसाले में अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले को, और ये अच्छे से मटन में भी, मटन में अच्छे से इस मसाले को ऑब्जर्व भी कर लेगा। आप एक बार ऐसे बना के रख लेंगे ना, जो भी कॉलेज अपनी फैमिली से दूर है, जो मटन के शौकीन है, वो आराम से इसको बनाकर लेकर कैरी कर सकते हैं, वो आराम से रख कर खा सकते हैं। कॉलेज में जैसे हॉस्टल में रख के आराम से वो लोग पराठे के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, राइस के साथ मज़ा। और एक इशारा हर एक को मैं बताऊंगी, जिस जब ये बनाते समय जिसको भी खुशबुएं आ जाए और घर वाले पूछे कि ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनी है। फिर हम दो इसको अभी 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे, एकदम सिम पे ही रखेंगे, और क्योंकि सारा जो हमने अभी कच्चा मसाला डाला है तो वो भी ऑयल में अच्छे से पक जाएगा और मटन भी थोड़ा सोक कर लेगा। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये 2 मिनट हो गए, चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ज़बरदस्त ये देखिए सिचुएशन, अच्छे से हमारा मसाला भी भून गया है। इसलिए शर्मा अभी ना मुझे ज़बरदस्त के कुछ सिनोनिम्स दे दो आप, ठीक है? तो हर बार मैं ज़बरदस्त बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि एक ही लाइन। हमारा मटन अच्छे से हो गए, चलिए चूल्हे करते हैं बंद, सर्व कर लेते हैं। तो चलिए अभी हाजिरा इसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगे। चलिए हाजिरा टेस्ट करके बताइए। ओके, तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद कहा होगा या फिर ये पहले वीडियो जाएगा, आई एम फीलिंग लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा आई एम फीलिंग लो। तो ये हम तो जैसे शर्मा ने कहा, टिप नंबर 1 ये होगा कि आपका मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी पकने वाला है। और ये अचारी चिकन है, जैसे नाम से ही है अचारी, तो अचारी में छोटा छोटा मतलब बहुत हल्का हल्का सा पीसेस कटेंगे। और दूसरा टिप होगा, जब आप उसको मतलब पका रहे हो तो तेल में पकाएं, पानी बिल्कुल टच ना करें क्योंकि मटन अपना पानी खुद छोड़ेगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टिप है। और कुछ सलमा? विनेगर वाला? हाँ, विनेगर अगर कोई स्टोर कर रहा है, जैसे सलमा ने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप स्टोर कर रहे हो उसको लॉन्ग मतलब लंबा, जैसे हो गया 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, तो विनेगर इज मस्ट। नहीं बस ऐसे ही जैसे अभी हम खा रहे हैं, क्योंकि आपको बताना था तो हमने विनेगर यूज कर लिया है। नींबू को हमने, हाँ नींबू को स्किप किया है। अगर आप नींबू डालते हैं तो प्लीज विनेगर ना डालें क्योंकि दोनों में खटास होती है। तो यही थे, और चलिए अभी मैं टेस्ट करती हूँ, टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत सही है, जैसे एज यूजल हमारे घर में बनता है और हमारे घर में सबको पसंद है, हर दिल अजीज है, हमारे अम्मी तो जान है। हाँ जी, बहुत 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 अच्छा बना है। मसाला शर्मा मुझे क्या कहते हैं, टेंडरनेस, करेक्ट? हाँ, वो जो टेंडरनेस होना चाहिए, जो मसाला हर एक को, जैसे हम अचार खाते हैं अचार में हर तरह से मसाला मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आम नींबू ये वो हो जाएगा, यहाँ पे आपको गोश्त में खाने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया बना है, तो प्लीज गाइस ट्राई करें, ट्राई करके हमें जरूर बताएं कि कैसी बनी है और आप लोगों को ये कितना पसंद आई है, और आप कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, सारे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिखें, और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, अब हमारी वीडियोस को आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, आपके रिलेटिव्स तक पहुंचाएं, यही एक रिक्वेस्ट होगी हमारी। थैंक यू सो मच। यहीं पे हम दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार दें हमारे चैनल को जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल।